गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज दीपक चौहान। दोस्तों आज मैं आपके सामने पेपर की कटिंग आया हूं। दोस्तों आपके सामने पेपर की कटिंग नजर आ रही होगी। चुनाव का माहौल चल रहा है तो मैंने आज चुनाव से संबंधित एक ऐसी कटिंग लाया हूं जिसमें हमें बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे, उसकी ग्रामर मिलेगी और हमको पेपर कैसे पढ़ना ये समझ में आएगा। तो दोस्तों चालू करते हैं कि पेपर को हम लोग कैसे पढ़ें, उसकी ग्रामर को कैसे समझें, सेंटेंस के स्ट्रक्चर को कैसे समझें और वॉकेबुलरी को कैसे याद करें। तो दोस्तों चालू करते हैं। पेपर की कटिंग रखी हुई है और पेपर की कटिंग कह रहा है कि सरताज हु बैट अर्जुन सिंह ज्वाइंस कांग्रेस। सरताज सिंह एक बहुत बड़े नेता हुए हैं बीजेपी के, जिन्होंने अर्जुन सिंह को हराया था, उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया। दोस्तों यहाँ कांग्रेस, यहाँ पर ज्वाइंस लिखा हुआ है, ज्वाइंस एस लगा हुआ है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट सिंपल है, लेकिन न्यूज़पेपर में पास्ट टेंस की घटना को भी प्रेजेंट सिंपल में दर्शाया जाता है, इसलिए इसे प्रेजेंट सिंपल में ज्वाइंस लिखा गया है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भोपाल द सेंट्रल इलेक्शन कमिटी ऑफ बीजेपी ऑन थर्सडे रिलीज्ड इट्स थर्ड एंड फोर्थ लिस्ट ऑफ 38 कैंडिडेट्स। दोस्तों यहां पर इट्स का जो इस्तेमाल किया गया है पार्टी के लिए कहा गया है, पार्टी ने अपनी तीसरी और चौथी लिस्ट जारी की, 38 उम्मीदवारों की तीसरी और चौथी लिस्ट जारी की। यहां पर इट्स पार्टी के लिए कहा गया है, अपने का अर्थ निकलेगा यहां पर, विच इंक्लूड द मोस्ट कंट्रोवर्शियल सीट्स ऑफ इंदौर डिस्ट्रिक्ट एंड भोपाल्स गोविंदपुरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी, जिसमें शामिल है बहुत ज्यादा विवादास्पद जो सीटें थी। एक तो इंदौर की सीट थी और दूसरी भोपाल के गोविंदपुरा की सीट थी, गोविंदपुरा असेंबली कंस्टिट्यूएंसी। कंस्टिट्यूएंसी का मतलब होता है चुनाव क्षेत्र। तो दोस्तों आपको पता होगा गोविंदपुरा चुनाव क्षेत्र में आदरणीय बाबूलाल गौर जी पिछले 10-12 से वो विधायक रहे हैं, तो उम्र को देखते हुए इस बार किसी और को टिकट देने की बात हो रही थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इन गोविंदपुरा वेयर वेटरन बाबूलाल गौर हैड रेज्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट, गोविंदपुरा सीट में जहां, दोस्तों यहां पर वेयर का मतलब जहां हो रहा है, जहां के रूप में आ रहा है, वेटरन बाबूलाल गौर, प्रख्यात बाबूलाल गौर, नामी बाबूलाल गौर हैड रेज्ड द बैनर ऑफ रिवोल्ट, जिन्होंने विरोध जताया था टू कीप द ट्रेडिशनल सीट विद इन द फैमिली। उन्होंने कहा कि जो पारंपरिक सीट है वो हमको ही मिलना चाहिए, हमारे परिवार के अंदर ही रहना चाहिए, किसी थर्ड पर्सन को नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने ऐसी बात कही थी क्योंकि पिछले 10 सालों से वो चुनाव जीतते आ रहे थे। द मेंटल हैज पास्ड टू हिज डॉटर इन लॉ कृष्णा गौर। तो जो मेंटल है, जो जिम्मेदारी है, दोस्तों मेंटल की मीनिंग मैंने बाजू में लिखी, आप उसे देख लीजिएगा, यहां पर उसका मतलब जिम्मेदारी हो रहा है, और भी मीनिंग मैंने लिखी है, आप देख लीजिएगा। तो जिम्मेदारी जो है वो उनकी जो बहू थी कृष्णा गौर को दे दी गई। 10-time MLA फ्रॉम गोविंदपुरा, जो 10 बाबूलाल गौर जी जो है वो 10 बार विधायक रह चुके हैं गोविंदपुरा सीट से। क्विकली डिक्लेयर्ड ही वॉज हैप्पी, जैसी तीसरी और चौथी लिस्ट उम्मीदवारों की जारी हुई, बड़े खुश हुए उन्होंने, तुरंत अपनी खुशी जाहिर की, एंड दैट इट वॉज द बेस्ट बीजेपी लिस्ट। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी के सबसे अच्छी लिस्ट है। फॉर्मर मिनिस्टर सरताज सिंह हाउएवर डिड नॉट फिगर ऑन द थर्ड लिस्ट, और जो भूतपूर्व मंत्री थे सरताज सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी गवर्नमेंट में मंत्री रह चुके हैं सरताज सिंह, उनका नाम जब नहीं आया, फिगर ऑन द थर्ड लिस्ट में जब उनका नाम नहीं आया, डिसहार्टन्ड यानी उदास हो गए, खिन्न हो गए। ही स्विच्ड टू कांग्रेस, और वो कांग्रेस में चले गए। ही स्विच्ड टू कांग्रेस विच प्रम्प्टली फील्डेड हिम फ्रॉम होशंगाबाद, जिन्होंने, कांग्रेस ने तुरंत इनको होशंगाबाद सीट से
खड़ा कर दिया। होशंगाबाद सीट से उनको तुरंत खड़ा कर दिया। अपोजिट स्पीकर सीता शरण शर्मा जो स्पीकर हैं उनके खिलाफ उनको खड़ा कर दिया होशंगाबाद से दोस्तों। और आगे देखते हैं हम लोग, व्हेन बीजेपी अनाउंस्ड इट्स थर्ड लिस्ट ऑफ 32 कैंडिडेट्स ऑन थर्सडे आफ्टरनून, जब बीजेपी ने अपने 32 उम्मीदवारों की सीट गुरुवार के दिन दोपहर को जारी की, फॉर्मर मिनिस्टर सरताज सिंह ब्रोक डाउन, जो भूतपूर्व मंत्री थे सरताज सिंह, वो एकदम टूट गए। बिफोर हिज सपोर्टर्स अपने सपोर्टर्स के सामने एकदम टूट गए। ही सेट ऑन अ सोफा पर बैठ गए एट हिज होशंगाबाद रेसिडेंस, अपने होशंगाबाद निवास पर, एंड वेप्ट लाइक अ चाइल्ड, और बच्चों की तरह रोने लगे। वीप का दोस्तों सेकंड फॉर्म है, WEEP का सेकंड फॉर्म वेप्ट होता है, तो पास्ट सिंबल का इस्तेमाल किया गया है। बच्चों की तरह रोने लगे। आई एम फाइटिंग अगेंस्ट इनजस्टिस, मैं अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं। ही सोब्ड, उन्होंने रोते हुए बताया, सोब याने होता रोना, सुबकना, उन्होंने रोते हुए बताया। आई विल नॉट क्विट द बैटल फील्ड याने होता है युद्ध का मैदान, मैं युद्ध का मैदान नहीं छोड़ूंगा। आई वुड रेदर डाई इन कॉम्बैट देन लीव द फील्ड, अच्छा है कि मैं मैदान में मर जाऊंगा, मैदान छोड़ने की अपेक्षा है कि मैं मैदान में मर जाऊंगा, ऐसा कह रहे हैं वो। क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैं पिछले कई सालों से अन्याय के खिलाफ लड़ रहा हूं और मुझे सीट बीजेपी वालों ने नहीं दिया, तो मैं बहुत नाराज हूं। सरताज सिंह हु वॉज मिनिस्टर फॉर हेल्थ इन द अटल बिहारी वाजपेयी कैबिनेट में वे स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उन्होंने ऐसा कहा। वॉज डिवास्टेट का वैसे मीनिंग तो बर्बाद होना होता है दोस्तों, तो वे नाराज हो गए, खिन्न हो गए, एकदम शॉक्ड हो गए, और उन्होंने कहा कि दैट द पार्टी ही सर्व्ड फॉर डिकेड्स, जिस पार्टी को उन्होंने दशकों तक सेवा की, वॉज डिनाइंग हिम अ टिकट, उनको टिकट देने से मना कर दिया गया। फ्रॉम सिवनी मालवा से सीट ही वॉन ट्वाइस इन 2008 एंड 2030, जिस सीट से उन्होंने 2008 और 2013 में चुनाव जीता था। ही सपोर्टर्स शाउटेड, उनके समर्थक चिल्लाने लगे, बाबूजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है, उन्होंने कहा कि बाबूजी आप संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ है। एंड सम एडवाइज हिम, और कुछ ने उनको सलाह दी, टू कॉन्टेस्ट एज एन इंडिपेंडेंट, कि आप निर्दलीय चुनाव लड़िए। बट द बीजेपी वेटरन वॉक्ड इन टू द कांग्रेस कैंप, लेकिन जो बीजेपी के वेटरन है, वेटरन का मतलब यहां पर फेमस भी होता है, नोटेड होता है, पॉपुलर होता है, जो प्रसिद्ध कह सकते हैं, प्रख्यात जो बीजेपी के थे, वो कांग्रेस के खेमे में चले गए। सरताज टोल्ड रिपोर्टर्स दैट ही वॉज इन टच विथ कांग्रेस, मिस्टर सरताज ने रिपोर्टर से कहा कि वह कांग्रेस के टच में थे, एंड वुड बी फील्डेड फ्रॉम होशंगाबाद अपोजिट बीजेपी सीता शरण, और उनको होशंगाबाद से चुनाव मैदान में उतारा जाएगा बीजेपी के सीता शरण के खिलाफ, जो कि स्पीकर इन द असेंबली, जो कि अभी विधानसभा में स्पीकर है। अराउंड 5 PM लगभग 5 बजे AICC अनाउंस्ड, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने अनाउंस किया इट्स लिस्ट ऑफ 17 कैंडिडेट्स, 17 लोगों की सीट उन्होंने अनाउंस की, नेमिंग सरताज सिंह फ्रॉम होशंगाबाद, जिसमें मिस्टर सरताज सिंह का नाम भी होशंगाबाद के लिए आया। बीजेपी वॉज येट टू डिक्लेयर इट्स कैंडिडेट, और बीजेपी अभी भी अपना कैंडिडेट डिक्लेयर करने को थी फॉर सिवनी मालवा से। सरताज हैड बीटन कांग्रेस स्टालवर्ट अर्जुन सिंह, सरताज सिंह ने कांग्रेस के जो बहुत बड़े
दिग्गज कह सकते हैं हम लोग कांग्रेस के जो दिग्गज थे अर्जुन सिंह, उनको 1998 में हराया था कांग्रेस स्टालवार्ट अर्जुन सिंह इन 1998 लोकसभा इलेक्शन में उनको हराया था। अर्जुन सिंह दोस्तों आपको पता है वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, 1984 के दौरान वो मुख्यमंत्री थे जब भोपाल में गैस रिसी थी। इट्स एन इंडिकेशन ऑफ हाउ स्ट्रेंज आर द विंड्स ब्लोइंग थ्रू एमपी दिस पोल सीजन, और ये एक संकेत है कि इस चुनाव में हवा कितनी अजीब तरीके से बह रही है। इट्स एन इंडिकेशन ऑफ हाउ स्ट्रेंज आर द विंड्स ब्लोइंग थ्रू एमपी दिस पोल सीजन, इस चुनाव के मौसम में हवा कितने अजीब तरीके से बह रही है। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, मुझे उम्मीद है आपको ये छोटा सा सेशन समझ में आया होगा, इसकी कुछ ग्रामर समझ में आई होगी और हमको कैसे इसका ट्रांसलेट करना है, शब्दों को याद करना है, वोकैबुलरी को कैसे याद करना है। तो दोस्तों इस प्रकार के बीच बीच में मैं सेशन लाया करूंगा, और अगर आपको ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और कुछ डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखें, उस डाउट को मैं दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं बहुत जल्दी इसी प्रकार के नई कोशिश नए प्रयोग के साथ। थैंक यू।